हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्जाम। दोस्तों, आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके लिए आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। एग्ज़ाम भी आ चुकी है, तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में रखी है, आप लोग देखना ज़रूर। आप लोग का जो एग्ज़ाम आ रही है ना, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? हुच इज़ नोन एज क्विक सिल्वर। इनमें से क्विक सिल्वर किसको कहते हैं? मार्क्यूरी को, एंटीमोनी को, या फिर आयोडीन, या फिर कैओलिन को? क्या कहेंगे? क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर आपको याद करना होगा। क्विक सिल्वर किसको कहते हैं? क्विक सिल्वर आपका मार्क्यूरी को कहते हैं, है ना? मार्क्यूरी को कहते हैं क्विक सिल्वर। इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ड्राई आइस इज ए सॉलिड फॉर्म ऑफ। ड्राई आइस किसकी सॉलिड फॉर्म है? कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, हीलियम की, या फिर नाइट्रोजन की? क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? ड्राई आइस किसके सॉलिड फॉर्म है बताइए आप लोग। आप सभी को पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग लाइव प्रीमियर देख रहे हो वीडियो का, तो लाइव से कमेंट सेक्शन में जाके जाइए और कमेंट कीजिए, है ना? आपका आंसर कमेंट कीजिए और फिर देखिए आपका आंसर करेक्ट होती है या नहीं। तो आपका ऐसा हो जाएगा ना, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। ड्राई आइस इज ए सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? ड्राई आइस इज ए सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टाइम टेकन फॉर रिएक्शन टू गो ऑन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज, कितने टाइम लेती है? लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज, आर्सेनिक टेस्ट में कितने टाइम रिएक्शन होने में टाइम लेती है? टाइम टेकन फॉर रिएक्शन टू गो ऑन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक कितने टाइम है? 40 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, या फिर 30 मिनट्स? क्या हो जाएगी इसका करेक्ट आंसर? आप लोग को देना है, बताइए आप लोग कितना होगा, कितना हो जाएगा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन या 40 मिनट्स। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 40 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। द टाइम टेकन फॉर रिएक्शन टू गो ऑन इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज 40 मिनट्स। 40 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग दिया जाता है? कौन सी ड्रग दिया जाता है साइनाइड पॉइजनिंग में? ऑप्शन ए में क्या है? क्विनिडीन। ऑप्शन बी एमाइल नाइट्रेट। ऑप्शन सी निकोरेंडिल। ऑप्शन डी निफिडेपिन। तो क्या हो जाएगी आपका करेक्ट आंसर? साइनाइड पॉइजनिंग में क्या यूज़ किया जाती है, क्या यूज़ किया जाती है? यस, साइनाइड पॉइजनिंग में आपका एमाइल नाइट्रेट यूज़ किया जाती है। एमाइल नाइट्रेट यूज़ किया जाती है ना, एमाइल नाइट्रेट। और क्या यूज़ करती है, किया जाती है और क्या? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, है ना? सोडियम थायोसल्फेट ये आपका साइनाइड पॉइजनिंग में दिया जाता है। तो आपको कई बार पूछ लेगा सोडियम नाइट्रेट दे के, या फिर सोडियम थायोसल्फेट दे के पूछ लेगा, या फिर ये तीनों ऑप्शन डाल देगा और कोई एक दे देगा कि वो कौन सा साइनाइड पॉइजनिंग में यूज़ नहीं किया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनती है ना, बन जाएगी। तो आप लोग को याद रखना है, साइनाइड पॉइजनिंग में एमाइल नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट ये सब साइनाइड पॉइजनिंग में यूज़ किया जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
विटामिन बी सिक्स डिफिशियंसी में ऑकर्स ड्यूरिंग ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी विथ, क्या हो जाएगी आंसर? विटामिन बी6 डिफिशियंसी में ऑकर ड्यूरिंग ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी। ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी में कौन सी ड्रग लेने से विटामिन बी6 का डिफिशियंसी होती है ना? तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, सल्फा ड्रग या इथम्ब्यूटोल। तो क्या हो जाएगी आंसर? विटामिन बी6 का केमिकल नेम क्या है? विटामिन बी6 का केमिकल नेम क्या है? पाइरोडोक्सिन है ना, पाइरोडोक्सिन। और इसकी ये क्या है? ये वाटर सोल्यूबल ड्रग है ना, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन बी6। और ट्यूबरक्लोसिस की कौन सी ड्रग लेने से विटामिन बी6 का डिफिशियंसी होती है, बताइए आप लोग, क्या हो जाएगी इसका करेक्ट आंसर? इसका आंसर आपका हो जाएगा यस, आइसोनियाजिड लेने से विटामिन बी6 की डिफिशियंसी होती है, तभी कैंसर पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को आपका आइसोनियाजिड ले रहा है तो इसका क्या देती है? विटामिन बी6 भी दिया जाता है ना, विटामिन बी6 के भी दिया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोनियाजिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल सेलाइन इज, क्या हो जाएगी? 9% WYV सोडियम क्लोराइड, 0.9% WYV सोडियम क्लोराइड, या फिर 1.9% WV सोडियम क्लोराइड, या फिर 5 WYV डेक्सट्रोज, क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? तो क्या बोला है? द कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल सेलाइन इज, क्या हो जाएगी इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगी? नॉर्मल सेलाइन में कितने परसेंट सोडियम क्लोराइड रहती है, कितने परसेंट रहती है आप हमें बताइए, कितने परसेंट रहती है? यस, 0.09% WYV वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड, WYV वेट बाई वॉल्यूम रहती है, इसका आप लोग ध्यान रखिए। हाँ, ऐसे आपको ऑप्शन में दे देगा कि 0.9% WYW दे देगा है ना, तो आपको ये आंसर नहीं करना है, आपको क्या करना है? 0.9% WYV सोडियम क्लोराइड होती है ना, वेट बाई 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यूज इन स्टडी ऑफ थायराइड अपटेक, थायराइड में कौन सी रेडियो आइसोटोप यूज किया जाता है, कौन सी किया जाता है? K44, CR51, I131 या फिर S35, क्या यूज किया जाता है? ये सभी को पता होगा, थायराइड अपटेक में कौन से, थायराइड में कौन सी रेडियो आइसोटोप्स यूज किया जाता है? यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगी? यस, ऑप्शन सी, आयोडीन 131 यूज किया जाता है ना, आयोडीन 131 यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशंस हैज़ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इनमें से कौन सी है जिसका, जिस इंसुलिन प्रिपरेशन वो कौन सी है जिसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बोला है ना, तो किसका हो जाएगा आंसर? प्रोटामिनसिन, लेंटी, सेमिलेंटिन एंड आइसोप्रिनिन। तो क्या हो जाएगी आपका आंसर? यस, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटामिन जिंक इज द करेक्ट आंसर, प्रोटामिन जिंक इज द करेक्ट आंसर। फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशन हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कौन सी इंसुलिन प्रिपरेशन की है? प्रोटामिन जिंक है ना, प्रोटामिन जिंक इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? सुक्रोज है, ग्लूकोज है, माल्टोज है या फिर लैक्टोज है, क्या हो जाएगी आंसर?
रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? रिड्यूसिंग शुगर आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या है, ये सभी का पता है कौन सी है रिड्यूसिंग शुगर, बताइए। यस, इसका करेक्ट आंसर है सुक्रोज। सुक्रोज इज द करेक्ट आंसर, सुक्रोज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? सुक्रोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन ऑब्जेक्ट इज हीटेड एट, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में ऑब्जेक्ट को कितने डिग्री में हीट किया जाता है और कितने घंटे के लिए हीट किया जाता है, क्या हो जा क्या होगी इसका आंसर? 160 डिग्री, 3 आवर्स, 180 डिग्री, 2 आवर्स, या फिर 160 डिग्री 1 आवर्स, या फिर 160 डिग्री 2 आवर्स, क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में ऑब्जेक्ट को कितने डिग्री में हीट किया जाता है और कितने घंटे के लिए? यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका 160 डिग्री 2 आवर्स के लिए ड्राई हीट किया स्टेरिलाइज किया जाता है ना, 160 डिग्री 2 आवर्स के लिए, 160 डिग्री 2 आवर्स। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नर्व ऑफ विजन कौन सी है? नर्व ऑफ विजन ऑलिफैक्टरी नर्व, ऑडिटरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, या फिर वेगास, क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? विजन के लिए कौन सी नर्व है, कौन सी कार्नियल नर्व होती है विजन के लिए? यस, विजन के लिए आपका हो जाएगी ऑप्टिक नर्व है ना, ऑप्टिक नर्व इज द करेक्ट आंसर, ऑप्टिक नर्व इज द करेक्ट आंसर, ऑप्टिक नर्व। और विजन ऑफ हियरिंग के लिए क्या होती है? ऑलिफैक्टरी नर्व है ना, तो विजन नर्व किसके लिए है? ऑप्टिक, ऑप्टिक है ना, नर्व ऑफ विजन क्या है? ऑप्टिक है, नर्व ऑफ विजन ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एमोंग द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटलिसिस, डिजिटलिस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहेबिट सोडियम पोटाशियम एटीपेज पम्प, इनहेबिट सोडियम हाइड्रोजन एटीपेज पम्प, एक्टिवेट्स मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लिवर, या फिर इनहेबिट्स कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? इसका आंसर हो जाएगी आपका, यह क्या करती है डिजिटलिस, इनहेबिट सोडियम पोटाशियम एंड एटीपेज पम्प, इनहेबिट्स सोडियम पोटाशियम एंड एटीपेज पम्प, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 13 में क्या बोला है? यूज़ ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज, यूज़ ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड को किस में यूज़ किया जाता है? जैसे सनस्क्रीन, सर्फेक्टेंट, डाइल्यूएंट, या फिर डिफ्लोकुलेंट, क्या यूज़ किया जाता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड को? ये सबको पता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड को किस में यूज़ किया जाता है? एज ए, यस बताइए क्या होगी? यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सनस्क्रीन इज द करेक्ट आंसर, सनस्क्रीन इज द करेक्ट आंसर। सनस्क्रीन में आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है, सनस्क्रीन में आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी काउंट इज कॉल्ड एस, क्या कहते हैं? एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी काउंट को क्या कहते हैं? सभी को पता होगा एनीमिया कहते हैं, पॉलीसाइटेमिया, या फिर निमोनिया, या फिर ल्यूकेमिया, क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? यस, पॉलीसाइटेमिया इज द करेक्ट आंसर, पॉलीसाइटेमिया इज द करेक्ट आंसर, पॉलीसाइटेमिया इज द करेक्ट आंसर। एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी बोला है ना, इंक्रीज इन आरबीसी बोला है तो क्या हो जाएगा? पॉलीसाइटेमिया। और डिक्रीज कहता तो क्या होता? एनीमिया हो जाता है ना, डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, इसको क्या कहेंगे हम? एनीमिया कहेंगे,
एनीमिया कहेंगे, है ना। और इंक्रीज इन आरबीसी काउंट को क्या कहते हैं? पॉलीसाइटेमिया, पॉलीसाइटेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन यील्ड्स द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम, इनमें से पर ग्राम में कौन सी हाईएस्ट एनर्जी प्रोड्यूस करती है? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, नॉन ऑफ द एबव। कौन सी करती है पर ग्राम में कौन सी हाईएस्ट एनर्जी प्रोड्यूस करती है? ये सभी को पता है, फैट होगी इसका करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वन ग्राम फैट में कितने कैलोरीज रहती है? वन ग्राम फैट में कितना कैलोरीज रहती है? 9 कैलोरीज होती है ना, 9 कैलोरीज होती है। और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, और कार्बोहाइड्रेट में भी 4 होती है ना। तो 1 ग्राम में कितना कैलोरीज होती है? 9 कैलोरीज होती है ना, 9 कैलोरीज होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग, इनमें से ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग कौन सी नहीं है? ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग कौन सी नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग, क्या हो जाएगी आपका आंसर? फेनल, सेना, एकाशिया या फिर इपिके, क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? कौन सी ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग नहीं है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन थ्री इज़ द करेक्ट आंसर, एकेशिया इज़ द करेक्ट आंसर, एकेशिया इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्रूड ड्रग में, ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग में क्या क्या आ जाएगी? फेनल, सेना, एपीके, ये सब ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग में आ जाएगी। और अनऑर्गेनाइज में क्या आ जाएगी? एकेशिया आ जाएगी, है ना। एकेशिया, क्लोव ऑयल, ये सब अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग में आ जाएगी। कैम्फर, क्लोव ऑयल, ये सब आपका अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग में आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओरल एंटीकोआगुलेंट एक्ट्स बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ, क्या होगी करेक्ट आंसर? फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेमोग्लोबिन या फिर विटामिन के। ओरल एंटीकोआगुलेंट एक्ट्स बाय एंटीगोनाइजिंग द एक्शन ऑफ, किसका एक्शन एंटीगोनाइज करती है, किसका एक्शन करती है? यस, ऑप्शन फोर, विटामिन के। विटामिन के इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन के की एक्शन एंटीकोनाइज करती है। ओरल एंटीकोआगुलेंट एक्ट बाय द एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ विटामिन के, विटामिन के इज़ द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रकोमा इज नॉर्मली कॉज्ड बाय, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है ट्रकोमा के? ट्रकोमा क्या है? ये एक आई डिजीज़ है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आई डिजीज़ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आई डिजीज़ है। और ट्रकोमा इज नॉर्मली कॉज्ड बाय क्या ऑर्गेनिज्म कॉज करती है? यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्लेमाइडिया ट्रकोमेटिस। तो इसको आपको याद करना है, आप 2-4 बार देख लीजिए तो आपका याद हो जाएगा। क्लेमाइडिया ट्रकोमेटिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है? आई डिजीज़ है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टेट्राजेनिक ड्रग कॉज टॉक्सिसिटी ऑफ, क्या कॉज करती है टेट्राजेनिक ड्रग, क्या कॉज करती है? लिवर, किडनी, फिटस या ब्रेन टॉक्सिसिटी टू, क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? टेट्राजेनिक ड्रग क्या करती है? टेट्राजेनिक ड्रग अगर प्रेगनेंसी में लिया जाता है तो फिटस का ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है ना, एबनॉर्मल ऑफ फिटस ग्रोथ। तो क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, टॉक्सिसिटी टू फिटस, है ना, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, टॉक्सिसिटी टू फिटस।
टेटरनरी ड्रग कॉज टॉक्सिसिटी टू फिटस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, प्रेस्क्रिप्शन कंटेन द फॉलोइंग पार्ट्स एक्सेप्ट, प्रेस्क्रिप्शन में क्या क्या पार्ट्स रहती है, सो प्रेस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, लेवल, कौन सी नहीं है, एक्सेप्ट बोला है ना, एक्सेप्ट बोला है ना, तो कौन सी नहीं है, तो प्रेस्क्रिप्शन में सुपरक्रिप्शन रहती है, इंस्क्रिप्शन भी रहती है, सिग्नेचर भी रहती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, लेवल नहीं रहती है प्रेस्क्रिप्शन में, लेवल नहीं रहती है ना, प्रेस्क्रिप्शन में लेवल नहीं रहती है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोफ्लोरिनेशन इज़ यूज मेनली टू ट्रीट, किस लिए यूज़ किया जाता है नाइट्रोफ्लोरिनेशन को, ये क्या है, नाइट्रोफ्लोरिनेशन एक एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक है नाइट्रोफ्लोरिनेशन, और ये किस में यूज़ किया जाता है, सिफिलिस में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, या फिर नन ऑफ द अबव, क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर, नाइट्रोफ्लोरिनेशन इज़ यूज्ड मेनली टू ट्रीट, क्या होगी, mainly to treat urinary tract infection, option B is the correct answer, option B is the correct answer, ये urinary tract infection में दिया जाता है ना, nitrofurination is used mainly to treat urinary tract infection। next question देखेंगे, imipramine is used as, imipramine किस लिए use किया जाता है, imipramine used as ट्रैंकुलाइजर, एज ए ट्रैंकुलाइजर यूज़ किया जाता है, एंटी कन्वल्सेंट में यूज़ किया जाता है, एंटी डिप्रेशन में यूज़ किया जाता है, या फिर एनालेप्टिक में यूज़ किया जाता है, तो इमिप्रामिन क्या है, इमिप्रामिन कौन सी, किस में दिया जाता है, इमिप्रामिन, इमिप्रामिन आपका किस में दिया जाता है, यस ये एक एंटी डिप्रेशेंट ड्रग है, ये एक एंटी डिप्रेशेंट ड्रग है, इमिप्रामिन एक एंटी डिप्रेशेंट ड्रग है ना, एंटी डिप्रेशन ड्रग है, इमिप्रामिन आपका एंटी डिप्रेशन में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर इन द, बॉडी फैट्स कहाँ पे रहती है, ह्यूमन में कहाँ पे स्टोर होती है, एडिपोज टिश्यू में, लिवर में, इपिथेलियम में, या इपिडर्मिस में, कोई किस में ये फैट स्टोर होती है ह्यूमन बॉडी में, किस में, ये सभी को पता है फैट कहाँ पे स्टोर होती है, यस आप लोग बताइए फैट कहाँ पे स्टोर होती है, यस एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होती है, एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होती है ना, एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है और क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। और दोस्तों प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को क्वेश्चन कैसी लग रही है और वीडियो कैसी लग रही है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो भी आपको कमेंट करना है ना, और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये भी आपको कमेंट में बताइए, और लाइक भी एक बनती है ना, अगर आपको अच्छा लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिटेनासिस, टिटेनस क्या है, टिटेनस क्या है, ये फंगल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर प्रोटोजोअ इन्फेक्शन है, टिटेनस क्या है, यस टिटेनस आपका सबको पता है, हमने एक वीडियो में ये सब वायरल और बैक्टीरियल का भी डिस्कस किया है ना, तो आप लोग बताइए कौन सी होगी, जी हाँ टिटेनस आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आती है, टिटेनस बैक्टीरियल इन्फेक्शन आती है ना, टिटेनस बैक्टीरियल इन्फेक्शन आती है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉमन साइड इफेक्ट रिपोर्टेड विथ सल्फोनाइल यूरिया, सल्फोनाइल यूरिया में क्या कॉमन साइड इफेक्ट दिखाई देती है, कौन सा साइड इफेक्ट होती है,
हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। कॉमन साइड इफेक्ट क्या है सल्फोनिलयूरिया के, क्या हो जाएगी? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हाइपोग्लाइसेमिया इज द करेक्ट आंसर, हाइपोग्लाइसेमिया इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बिमाजोल इज एन, क्या है कार्बिमाजोल, क्या है कार्बिमाजोल, क्या है? एंटी थायराइड ड्रग है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, क्वागुलेंट है या फिर एंटी क्वागुलेंट है? क्या है कार्बिमाजोल, कार्बिमाजोल क्या है? ये इमिडाजोल ग्रुप की होती है ना, कार्बिमाजोल इमिडाजोल ग्रुप की होती है, और ये किस में यूज़ किया जाता है, किस में ट्रीट किया जाता है, एज ए एंटी थायराइड ड्रग यूज़ किया जाता है ना, एज ए एंटी थायराइड ड्रग यूज़ किया जाता है, एज एन एंटी थायराइड ड्रग। कार्बिमाजोल क्या है? एंटी थायराइड ड्रग है, कार्बिमाजोल क्या है? एंटी थायराइड ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिमोलोल क्या है? टिमोलोल इज ए, टिमोलोल इज ए वैसोडाइलेटर है, एंटीऑक्सीडेंट है, बीटा ब्लॉकर है, और ऑल ऑफ द अबव है। क्या है टिमोलोल, टिमोलोल क्या है? टिमोलोल लॉल, लॉल कौन सी क्लास में आती है? लॉल वाला ड्रग कौन सी क्लास में आती है? यस, ये बीटा ब्लॉकर में आती है ना, बीटा ब्लॉकर में आती है। टिमोलोल आपका बीटा ब्लॉकर में आ जाएगा। टिमोलोल क्या है? बीटा ब्लॉकर है। लेबिटोलोल, प्रोपानोलोल, एटिनोलोल, ये सब क्या है? बीटा ब्लॉकर है ना, बीटा ब्लॉकर में आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बीटा ब्लॉकर, टिमोलोल इज ए बीटा ब्लॉकर, टिमोलोल इज ए बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लूज ऑफ एपिटाइट इज नोन एज, लूज ऑफ एपिटाइट को आपको क्या कहते हैं? लूज ऑफ एपिटाइट, एनोरिया, एलोप्सिया, एनोरेक्सिया और नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? लूज ऑफ एपिटाइट आपका क्या होती है? लूज ऑफ एपिटाइट, यस, लूज ऑफ एपिटाइट हो जाएगी आपका एनोरेक्सिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एनोरेक्सिया किसको कहते हैं? लूज ऑफ एपिटाइट को कहते हैं। और एनोरिया क्या है? नो यूरिन आउटपुट, नो यूरिन आउटपुट, नो यूरिन है ना, नो यूरिन आउटपुट, इसको हम क्या कहेंगे? एनोरिया। और एलोप्सिया क्या है? एलोप्सिया आपका हो जाएगा हेयर लॉस, हेयर लॉस को हम कहेंगे एनोक्सिया, हेयर लॉस के कहेंगे हम एनोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो लूज ऑफ एपिटाइट का हमको क्या कहेंगे? एनोक्सिया, है ना, एनोक्सिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पोरियस ड्रग्स आर, क्या है? इमिटेशन है, सब्स्टिट्यूट्स है, रिजेंबल ड्रग है, ऑल ऑफ द अबव है। क्या हो जाएगी स्पोरियस ड्रग, स्पोरियस ड्रग क्या हो जाएगी? स्पोरियस ड्रग आपका सभी हो जाएगी, है ना, इमिटेशन भी हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट्स भी हो जाएगी, और रिजेंबल ड्रग भी हो जाएगी। तो सभी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सभी हो जाएगा, है ना, इमिटेशन भी, सब्स्टिट्यूट भी, रिजेंबल भी। स्पोरियस ड्रग, ड्रग्स आर इमिटेशन, सब्स्टिट्यूट, रिजेंबल में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिप्लीशन ऑफ डोपामिन कोज ए क्लिनिकल कंडीशन कॉल्ड, क्या कहेंगे? क्लिनिकल कंडीशन को आपको क्या कहेंगे? मेनिया कहेंगे, सिजोपेनिया कहेंगे, पार्किंसोनिज्म कहेंगे, या फिर डिप्रेशन कहेंगे? डोपामिन कॉज ए क्लिनिकल कंडीशन, डिप्लीशन ऑफ डोपामिन कॉज ए क्लिनिकल कंडीशन कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे पार्किंसोनिज्म, पार्किंसोनिज्म, है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगी? पार्किंसोनिज्म, पार्किंसंस डिजीज में क्या होती है? डिप्लीशन ऑफ डोपामिन कॉज, डिप्लीशन ऑफ डोपामिन, है ना,
डिप्लेटेशन ऑफ डोपामिन कॉज ए क्लिनिकल कंडीशन कॉल्ड पार्किंसनिज्म. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन. अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. हम दोस्तों आई बटन में और क्विक रिवीजन वाला वीडियो डाल देंगे, आप लोग देखिएगा ज़रूर. और वीडियो की देखिए ज़रूर. आप लोग का एग्ज़ाम आ रही है, इसके लिए ऑल द बेस्ट. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. और दोस्तों आज हमने लास्ट में क्वेश्चन डाला है, इसका आंसर आपको देना है. इसका आंसर आपको देना है, कमेंट में आपको देना है क्या होगी इसका आंसर. तो क्या दिया है क्वेश्चन, द कॉज ऑफ बेरीबेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ. किसकी डेफिशिएंसी से बेरीबेरी होती है, विटामिन B12 की, विटामिन B2 की, विटामिन B1 की या फिर विटामिन ए की. तो किसकी वजह से होती है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है. और केमिकल नेम क्या है, इस विटामिन का केमिकल नेम क्या है, ये भी आपने साथ में लिखना है. तो कॉज ऑफ बेरीबेरी इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन, क्या होगी करेक्ट आंसर, इसको आप कमेंट में दीजिए और साथ ही इसका केमिकल नेम भी लिखिए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.